कोई भी अच्छी टीम के लिए काम करते हैं तो यू लुक फॉरवर्ड टू, और ये ऑब्वियसली थोड़ा ये सीज़न मुझे ऐसा लगता है कि शायद रणजी ट्रॉफी भी होगा, पूरा सीज़न होगा, तो वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी। ओडिशा हमेशा से ही एक अच्छा डिसेंट टीम रहा है, तो कोशिश करेंगे कि उनके प्लेयर्स को थोड़ा सा बेटर बनाएं, उनकी टीम को और बेटर बनाएं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत टैलेंट है, पोटेंशियल है, जस्ट थोड़ा उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। वसीम जी, आप सबसे हाईएस्ट रन गेटेड इन रणजी ट्रॉफी, आप उसको कैसे देखते हैं? बैटिंग को ज़्यादा आप मतलब ये करेंगे, ज़्यादा देखेंगे या बोलिंग, क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? नहीं, क्रिकेट में तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। ऑब्वियसली मेरा रोल एज अ बैट्समैन था, तो जाहिर सी बात है बैट्समैनों को उसका फ़ायदा होगा, हमारे पास बॉलिंग कोच भी होगा, फील्डिंग कोच भी होगा, तो ऑब्वियसली दे विल प्ले देयर रोल। बट हमारी कोशिश यही होगी कि ओडिशा क्रिकेट को ऊपर ले जाए, ओडिशा के प्लेयर्स को ऊपर ले जाए। ज़्यादातर ओडिशा टीम का यह है प्रेशर में वो लोग हैंडल नहीं कर पाते, उनसे निकालने के लिए क्या ज़्यादा मतलब मेडिटेशन वगैरह और कुछ फिटनेस इस चीज़ पर ध्यान देंगे? जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है, बोलने के लिए बहुत आसान है कि प्रेशर है, बट जो प्रेशर में खेलता है उसी को पता होता है कि प्रेशर क्या होता है, तो ये बच्चों को थोड़ा सा वो एक तरह से क्या बोलते हैं कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है कि वो जाकर बाहर खेले और वो एक्सपोजर ले, थोड़ी एक्सपोजर की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वही चीज़ को थोड़ा पूरा करने की कोशिश करेंगे। वसीम जी, आज आए ओडिशा, आप अनाउंस के बाद अब क्या क्या स्ट्रैटेजी है, अब कब से स्टार्ट करेंगे आपका काम और आज क्या क्या प्लान है, अब कितना दिन रहेंगे ओडिशा में? नहीं, हमारा कैंप तो 19 से शुरू हो गया है, उनका फिटनेस का स्क्रीनिंग वगैरह चल रहा है, और कल से हमारा प्रॉपर आउटडोर का तो पता नहीं है मौसम कैसा है, बट इंडोर में और उनका फिजिकल जो भी होता है कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग और उसके अलावा इंडोर में, वो ऑलमोस्ट थ्री एंड हाफ वीक्स का प्रोग्राम होगा अभी फिलहाल। कितना दिन रहेंगे वही थ्री एंड हाफ वीक्स के आसपास। आप एस एस दास और जैसे देवाशीष महांती के साथ खेले, संजय राउत के साथ भी खेले, तो कैसे लग रहा है कि उसके बाद क्यों इंटरनेशनल प्लेयर उड़ीसा से नहीं निकला, क्या आप लग रहा है? जैसे मैंने कहा ना कि अभी क्रिकेट अभी फ़िलहाल बहुत चेंज हो गया, अभी आईपीएल पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है लोगों का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे उतना ध्यान नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना लोग क्रिकेट आईपीएल में देखता है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये बच्चों को मेरे ख्याल से उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है आईपीएल खेलने का, तो वही चीज़ का कोशिश होगा कि जब ये बच्चे अच्छा खेले, मुश्ताक अली में परफॉर्मेंस करे, एक दो लड़के अगर आते हैं आईपीएल के अंदर और वो अगर वो स्टेज उनको मिलता है, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इनके पास पोटेंशियल की और टैलेंट की कमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि संजय जी, जो जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाया है, संजय बेहरा जी, उनका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उनका मुझे ऐसा लगता है कि विजन बहुत अच्छा है ना अपने स्टेट के प्रति, तभी उन्होंने मुझे साइन किया, वरना चाहते तो जाहिर सी बात है किसी और लोकल कोच को भी रख सकते थे, तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तो मुझे लगता है कि उनका विजन जो है वो विजन बहुत अच्छा है और होपफुली ये हेल्प करेगा ओडिशा क्रिकेट को। ज़्यादातर लोग वनडे के ऊपर ज़्यादातर आई मीन 50 ओवर 20 ओवर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डेज मैच में लोगों का प्लेयर लोग का ज़्यादा मतलब फोकस नहीं रखना है, उसके लिए आप काम करेंगे? नहीं, काम तो हर एक चीज़ में करेंगे, जैसे मैंने बोला है ना, क्योंकि ओडिशा क्रिकेट ओवरऑल ऊपर जाना चाहिए, चाहे वो ओडिशा ने लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से रणजी ट्रॉफी में क्वार्टर फाइनल खेला था, वनडे T20 में थोड़ा डिसेंट सा परफॉर्मेंस है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड बॉल पे ध्यान नहीं देंगे, वाइड बॉल में ध्यान देंगे, हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल क्रिकेट थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। हम लोग बुक कर सकते हैं, कुछ लोग इंडिया के लिए निकाल सकते हैं? जी हाँ, हर एक चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है मैम, लेकिन बट जाहिर सी बात है अगर हमारा प्रोसेस अच्छा होगा, हम लोग अगर राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो ज़रूर रिजल्ट तो बिल्कुल मिलेगा। कुछ प्लेयर को नोटिस किया ओडिशा टीम का, जो इसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो आगे जाके अच्छा करेंगे? नहीं, मैंने जो दो चार ही प्लेयर लोगों को देखा है जो मेरे टाइम पे खेलते थे, ऑब्वियसली बसंत मोहंती एक है उनमें से, गोविंद पोद्दार एक है, शुभ्रांशु सेनापति, उसके अलावा तो बहुत सारे लड़के नए हैं, तो अब मेरा ऑब्वियसली स्क्रीनिंग स्टार्ट होगा कि मैं देखूँगा, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंटेड लड़के हैं, उनको सिर्फ अच्छा डायरेक्शन और उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है।